तो गाइस मिस्टर मीट ने हमको दिया है यहाँ पर पांच खतरनाक चैलेंज, जिन चैलेंज को हमें कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मिस्टर मीट हमारी पूरी सिटी को खत्म कर सकता है गाइस। तो ये बात कल मॉर्निंग के जैसे मैं यहाँ पर उठता हूँ तो मुझे यहाँ पर अननोन नंबर से कॉल आता है। अरे ये तो मिस्टर मीट का कॉल है, बट वो मुझे कॉल क्यों करेगा यार। चलो यार पिक करना पड़ेगा वरना वो मेरे को मार भी सकता है यार, मेरी सिटी को मार सकता है वो, मुझे उठाना पड़ेगा फोन पर। हेलो। हाँ। अरे मैं मिस्टर मीट बोल रहा हूँ, तुझे यहाँ पर पांच चैलेंज कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया, अगर तू चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा पांचों को, तो ध्यान रखना तेरी सिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, एंड मैं खुद आकर तेरी सिटी को खत्म कर दूंगा पूरी तरह से। बट वो वाले चैलेंज कौन से है, मुझे कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा? वो वाले चैलेंज मैं तेरे को दूंगा, तुझे उन वाले चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे तू अपने फोन को ओपन करेगा तो सामने वो वाले चैलेंज लिखे हुए आएंगे, तुझे वो वाले चैलेंज कंप्लीट करने पड़ेंगे कैसे भी करके, वरना तू क्या। हाँ ठीक है मैं कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे चैलेंज, ठीक है, बट मेरी सिटी को कुछ मत करना और मेरे एनपीएस को मत मारना तुम। तो गाइस हम देखने वाले कि यहाँ पर मिस्टर मीट ने मेरा कौन सा चैलेंज दिया है, एंड टाइम आ चुका है यहाँ पर मिस्टर मीट का पहला चैलेंज हमको देने का, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही हार्ड चैलेंज मिलने वाला है मेरे को। अब आरजी टूल को ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लास्ट रेयर सुप्रा। व्हाट, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मुझे शेयर की सबसे रेयर सुप्रा को ब्लास्ट करना पड़ेगा, एंड वो वाली सुप्रा कहाँ पर है मेरे को पता है, बट उस वाली सुप्रा को ब्लास्ट करने के बाद मुझे जेल भी हो सकती है भाई, बिकॉज पुलिस मेरा पीछा करने वाली है भाई फिर। क्योंकि वो वाली सुप्रा इस वाली शहर की सबसे रेयर सुप्रा एंड सबसे महंगी सुप्रा है, बट वो यहाँ पर कहाँ पर खड़ी है, वो खड़ी यहाँ पर हमारे समुद्र के बीच के ऊपर, तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा एंड जल्दी उसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर मीट हमारी सिटी को तभी भी तबाह कर सकता है, कभी भी सिटी के अंदर आ सकता है भाई। तो मुझे लग रहा है कि वो वाली सुप्रा सामने खड़ी है, बट वेट भाई ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर भाई, इसको टक्कर मार दिया मैंने, बट ये ऐसे खड़ी कैसे होगी। और वो क्या भाई, वो वाली देखो यार, वो गाड़ी उसको उठाकर लेके चली गई, बट गाइस थोड़ा इसको देखो यहाँ पर खड़ी है वो वाली रेयर सुप्रा, मुझे इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है गाइस। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिलहाल, मुझे यहाँ पर इस वाली सुप्रा को ब्लास्ट करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना कि यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखकर इसको ब्लास्ट करने वाले है। देखो भाई ये शहर की सबसे रेयर सुप्रा है, मिस्टर मीट ने मेरे को कहा है कि इस वाली सुप्रा को हमें ब्लास्ट करना पड़ेगा, हमारा पहला चैलेंज यही होने वाला है गाइस। तो हम इसको ब्लास्ट करने वाले हैं, बट ध्यान में रखकर यहाँ पर इसको ब्लास्ट करते हैं, एंड मैंने यहाँ पर इसको ब्लास्ट कर दिया है, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ जल्दी से, बिकॉज कभी भी पुलिस यहाँ पर आ सकती है गाइस। तो मैंने यहाँ पर इस वाली सिटी की सबसे रेयर सुप्रा को ब्लास्ट तो कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पीछे यहाँ पर पुलिस लगने वाली है, बिकॉज अगर मैं रेयर सुप्रा को ब्लास्ट करूंगा ना गाइस, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई सिटी की पुलिस मेरा पीछा करना स्टार्ट कर देगी, बट हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू हाउस के पास चला जाऊँ या फिर न्यू हाउस के अंदर चला जाऊँ ना, तो हो सकता है कि ये वाले पुलिस वाले मेरे पीछा करना छोड़ देंगे यार। तो हम चलने वाले हैं यहाँ पर हमारे न्यू हाउस के पास में, बिकॉज अगर हो सकता है कि अगर मैं न्यू हाउस के अंदर एंटर कर जाऊँ तो हो सकता है कि ये वाले पुलिस वाले मेरे पीछा करना छोड़ देंगे, बट मैंने यहाँ पर सुप्रा को इसलिए ब्लास्ट किया बिकॉज मिस्टर मिटना पुलिस सिटी को मार सकता है, ठीक है, तो मैंने सिटी के हित के लिए सिटी को बचाने के लिए यहाँ पर सुप्रा को ब्लास्ट किया, बट यार ये पुलिस वाले बहुत ही निकम्मे हैं भाई, ये मेरे को मार डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस वाले न्यू हाउस के पास में, एंड यहाँ पर आते ही हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है गाइस, एंड अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सा मिलने वाला है। moments later. तो गाइस हम देखने वाले कि यहाँ पर नेक्स्ट मिस्टर मीट चैलेंज कौन सा होने वाला, हम देखने वाले जल्दी से फोन निकालते हैं गाइस, एंड देखते हैं कि कौन सा चैलेंज यहाँ पर दिया है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर एंटर बिग एरोप्लेन। व्हाट भाई ये कैसे हो सकता है भाई, ये काफी हार्ड चैलेंज मुझे लग रहा है यार। मिस्टर मीट ने मेरे को कहा कि आपको बिग वाले एरोप्लेन यानी बड़े एरोप्लेन के अंदर जो कि हमारे एयरपोर्ट पे होता है ना, उसके अंदर हमें एंटर करना पड़ेगा, बट उसके अंदर एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, एंड उसके अंदर एंटर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। ये वाला काम करना भाई काफी इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को, बट हम ट्राई करने वाले, बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मिस्टर मीट पूरी सिटी को मार देगा। बट यार एक गाड़ी कहाँ जा रही है मेरी, चलो इसको ऐसा इस प्रकार से करते हैं, इसको अंदर लेके चलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। एंड गाइस मुझे ना अगर हो सकता है कि अगर मैं बिग एरोप्लेन के अंदर एंटर ना करूं या फिर उसके अंदर देख लूं उसके अंदर क्या है, तो हो सकता है हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस वाली कार को हमें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा एंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बट थोड़ी बहुत गलत लग चुकी है, वापस से लगाना पड़ेगा। तो गाइस अगर हम इस वाले एरोप्लेन के अंदर देख लेते तो हो सकता है हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाए, बट यहाँ पर देखने का ट्राई कर रहा हूँ, बट यार नहीं यार ये देखो अच्छा से नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मैं देखने का ट्राई कर रहा हूँ बट अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक को मंगाऊ ना तो हो सकता है कि अंदर में देख सकते। तो अब हम क्या करने वाले यहाँ पर, हमारे पास एक चांस है कि हम यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक को मंगा सकते हैं, तो उसका चिट कोड यहाँ पर 09009 इस प्रकार चिट कोड है, एंड यहाँ पर थार का मॉन्स्टर ट्रक मैंने यहाँ पर मंगा लिया है, तो इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर मैं एंटर कर चुका हूँ गाइस, ठीक है, एंड हो सकता है कि इसको करने के बाद हमारा ये वाला चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा। इसको हम चलने वाले यहाँ पर बिग एरोप्लेन के पास में, देखो यहाँ पर दो एरोप्लेन है, किसी के पास जा सकते हो, तो इसके पास में जाने वाला हूँ। चलो गाइस इसके अंदर एंटर तो नहीं कर सकते, बट इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो देख सकते हैं हम ग्लिच करके गाइस, तो यहाँ पर लगाने वाले इस प्रकार से हम। ओके गाइस हमारा काम यहाँ से बन सकता है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर मॉन्स्टर कार को यहाँ पर लगा दिया है। ओके अब मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं जैसे यहाँ पर स्क्रॉल किया ना गाइस, ठीक है,
मुझे अंदर से इंटीरियर दिख रहा है बट यहाँ पर हमारा चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा है, तो मुझे आगे चलना पड़ेगा इस वाले मॉन्स्टर थार को लेके। चलो भाई इधर से इस प्रकार से करते हैं यहाँ पर, एंड इस वाली थार को मुझे पीछा करना पड़ेगा। भाई जल्दी कर भाई, मिस्टर मीट कभी भी आता होगा यहाँ पर अगर हमने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो। चलो भाई हम क्या करने वाले हैं, इस वाली थार को यहाँ पर लगाने वाले। चलो मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एंड ये देखो भाई पूरा इंटीरियर अंदर से दिख रहा है, इसके मतलब क्या क्या इसके अंदर है तो पूरा इंटीरियर यहाँ पर दिख रहा है गाइस। एंड इसके साथ हमारा ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है, हमने बिग एरोप्लेन के अंदर यहाँ पर एंटर कर लिया मान लो ऐसा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टर मीट चैलेंज की तरफ। तो गाइस हम देखने वाले कि यहाँ पर नेक्स्ट चैलेंज कौन सा है मिस्टर मीट के द्वारा दिया हुआ हमें, तो हम देखने वाले गाइस। जल्दी से फोन निकालते, हो सकता है कि यार वो काफी हार्ड चैलेंज हमको दे दे अब की बार। देखते भाई यहाँ पर फोन निकालता हूँ मैं एंड देखता हूँ यहाँ पर ये क्या है। तो यहाँ पर यह है कि हमें पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। व्हाट भाई, अगर मैं पुलिस वाले को मारूंगा तो मेरे को मार देंगे यार। बट चैलेंज में यहाँ पर क्या है कि मिस्टर मीट ने हमें कहा है कि हमें किसी रैंडम पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। बट भाई चैलेंज दिया तो चैलेंज कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मुझे इस सिटी को बचाने के लिए एक पुलिस वाले को मारना ही पड़ेगा इस, ठीक है। बट यहाँ पर पुलिस वाले को बुलाऊं कैसे, तो मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर मैं एक किसी भी एक एनपीएस को मारूंगा। यहाँ पर देखो सामने यहाँ पर आपको एनपीएस दिख रहा होगा, इसको मारना पड़ेगा। एंड उसको मारने के बाद अब मर जाओ भाई जल्दी से, भाई टाइम तो नहीं है फिर मेरे पास यार, जल्दी मारना पड़ेगा। ओके गाइस फाइनली मर चुका है। एंड जैसे यहाँ पर मरता है तो यहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है गाइस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक पुलिस वाले को मारना पड़ेगा ताकि हमारा ये वाला चैलेंज कंप्लीट हो। भाई ठोक दिया अंदर आकर ही। चलो इसको मारते हैं गाइस, ठीक है। चलो इसको मारने का मैं ट्राई करता हूँ। चलो एक दो तीन, चलो मारो इसको। ओके इसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ भाई, इस पर गोले चल रही है बट ये मर नहीं रहा भाई, अमर है क्या भाई, भागना पड़ेगा भाई, मेरी हेल्थ कम हो रही है यहाँ पर। तो भाई यार ये वाला पुलिस वाला नहीं मरा, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर। देखो सामने ये तो नहीं मरने वाला भाई, बिकॉज इसको मारूंगा तो ये तो भाई पता क्या फ्रीज हो गया भाई, इसको नहीं मार सकते हम। तो मुझे यहाँ पर दूसरे वाले पुलिस वाले को आने का वेट करना पड़ेगा। सामने से पुलिस वाले की गाड़ी आ रही है एंड ये देखो भाई सस्ते नशे भाई। ओके गाइस यहाँ पर एक पुलिस वाला आएगा, उसको मारेंगे हम। चलो ये आ चुका है यहाँ पर एंड इसको मारना पड़ेगा। चलो गाइस इसको उड़ाते हैं जल्दी से, अबे मर जा भाई। ओके इसमें मार दिया यहाँ पर एंड इसी के साथ हमारा ये वाला चैलेंज कंप्लीट होता है। मुझे अंदर भागना पड़ेगा वरना ये वाले पुलिस वाले मेरे को मार सकते हैं गाइस। तो ये वाला चैलेंज कंप्लीट होगा, देखते हैं नेक्स्ट वाला मिस्टर मीट कौन सा होने वाला। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अब देखते हैं कि यहां पर नेक्स्ट मिस्टर मीट चैलेंज कौन सा होने वाला है। मुझे लग रहा है काफी हार्ड होने वाला है ये वाला चैलेंज, तो हम देखने वाले हैं यहां पर। एंड ये क्या है यहां पर, लैंड हेलीकॉप्टर ट्री। व्हाट भाई, ये काफी डिफिकल्ट चैलेंज लग रहा है मेरे को। अब मिस्टर मीट का ये कहना है कि मुझे यहाँ पर किसी रैंडम ट्री पे यानी कि किसी बड़े ट्री पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ेगा। एंड मैंने यहाँ पर ट्री देख लिया यानी पेड़ देख लिया है, वो देखो वो सामने आपको पेड़ दिख रहा ना, वहां पर मैं हेलीकॉप्टर को लैंड कराने वाला हूँ। मतलब पेड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर को उतारो भाई इस प्रकार से। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, सीट गार्ड है यहाँ पर 8000 तो मैंने मंगा लिया यहाँ पर ये वाला हेलीकॉप्टर। अब हम ट्राई करने वाले भाई, मतलब ये वाला चैलेंज काफी डिफिकल्ट तो लग रहा है बट हो सकता है इस वाले चैलेंज को हम कंप्लीट कर दे। तो देखो सामने आपको दिख रहा होगा वो वाला ट्री, उसके ऊपर हम लैंड कराने वाले इस वाले हेलीकॉप्टर को। देखते हैं कि ये वाला हेलीकॉप्टर लैंड होता है या फिर नहीं होता है। तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर, मेरे पास दो चांस है, मुझे एक बार कंप्लीट करना है कैसे भी करके यहाँ पर। एंड अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया ना भाई तो फिर मिस्टर मीट पूरी सिटी को मार सकता है गाइस। तो हम क्या करने वाले, इस वाले हेलीकॉप्टर को यहाँ पर पेड़ के ऊपर लैंडिंग कराने का ट्राई करते हैं। बट व्हाट भाई, पहली बार तो फेल हो गया यार, ये क्या हुआ भाई, पहला चांस हमारा खराब हो चुका है। बट वेट भाई, मेरे पास यहाँ पर एक और चांस है एंड हो सकता है कि इस वाले चांस के अंदर मैं ये कंप्लीट कर लूँ गाइस, ठीक है। चलो गाइस हम ट्राई करने वाले हैं सेकंड चांस के अंदर एंड हो सकता है कि अब की बार हम कंप्लीट कर ले गाइस। तो चलो हम लैंडिंग कराते हैं यहाँ पर इस वाले हेलीकॉप्टर को एंड चलो लैंडिंग हो गया। ओके 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 गाइस लैंडिंग हो चुका है, अब बस हमें एग्जिट करना है यहाँ से। बट गाइस मैंने ना यहाँ पर इन्फिनिट हेल्थ नहीं लगाई है तो मैं मर भी सकता हूँ भाई नीचे गिर के, तो नीचे गिर चुका हूँ मैं। बट भाई लकी यहाँ पर मैं बहुत लकी हूँ, यहाँ पर मैं बच गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हेल्थ बहुत ही कम हो चुकी है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाला हेलीकॉप्टर कहाँ पर लैंड हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है वो, मुझे आगे चलना पड़ेगा ताकि वो वाला हेलीकॉप्टर में आराम से लैंड हुआ दिखे वहाँ पर। चलो दिखाता हूँ आपको मैं एंड जैसे हम देखेंगे तो वो वाला हमारा चैलेंज कम्प्लीट होने वाला है। ये देखो भाई मैंने वहाँ पर लैंड करा दिया है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैलेंज भी कम्प्लीट होता है गाइस। पढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस, अब देखने वाले यहाँ पर हम फाइनल वाला चैलेंज एंड मुझे लग रहा है कि ये वाला चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। हम देखने वाले हैं, निकालते हैं यहाँ पर फोन। ओके ये क्या है यहाँ पर, ओके ट्रेन साइकिल रेस, व्हाट कंट्रोल। तो मुझे ना यहाँ पर साइकिल से रेसिंग करनी पड़ेगी विद ट्रेन भाई, ये काफी हार्ड चैलेंज है बट मुझे इसको कम्प्लीट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ट्रेन से रेस करनी पड़ेगी साइकिल की। तो मुझे लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ बट देखने वाले क्या होने वाला है। यहाँ पर ट्रेन चल चुकी है, चलना पड़ेगा अभी गाइस, मैं चलने वाला हूँ यहाँ पर एंड ट्रेन मेरे पीछे आ रही है। तो गाइस हो सकता है कि यार इस वाली साइकिल से मैं इस वाली ट्रेन को आराम से हरा सकता हूँ, बिकॉज साइकिल बहुत फास्ट होती है ट्रेन से गाइस, ठीक है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाली ट्रेन कहाँ पर अभी फिलहाल आई है। ये देखो यार, ट्रेन तो अभी यहीं पर है भाई यार, तो मैं कितने आगे आ चुका हूँ। अब देखो यार, इस ट्रेन की ना स्पीड बहुत तेज होने वाली है फिलहाल, तो मुझे आगे निकलना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि मैं ये वाला चैलेंज हार जाऊँ। बट मेरे पास दो चांस है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना कि मेरे पास दो चांस है, एक चांस नहीं है। तो ये वाली ट्रेन अभी पीछे रह गई है, मैं आगे निकल चुका हूँ भाई, मतलब तुम देख रहे हो भाई, आराम से जाऊँगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आगे चल रहा हूँ साइकिल को लेकर, एंड ट्रेन पीछे रह गई है। तो हो सकता है कि यार ये वाला चैलेंज मैं कंप्लीट कर दूं, बट इतनी फास्ट ट्रेन आ रही है, व्हाट भाई, ये काफी तेज चल रही है ट्रेन भाई। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड काफी तेज हो चुकी है, हो सकता है कि यार ये वाला मैं चैलेंज हार सकता हूँ। देखो ट्रेन आगे निकल रही है मेरे से, तो भाई इसमें काफी ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ इसको पीछे करने का, बट भाई इसकी ट्रेन की जो मतलब स्पीड है वो काफी तेज है, ठीक है। ये देखो भाई, ट्रेन तो आगे जा रही है भाई, मैं भाई पूरा दम लगा चुका हूँ भाई, साइकिल इतनी देर भागती है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। ये देखो साइकिल यहीं पर रह चुकी है, बट ट्रेन आगे निकल चुकी है। तो भाई इसमें ये वाला चैलेंज तो हारने वाला हूँ, बट मेरे पास दो चांस है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको पीछे छोड़ने का, बट ये तो भाई लगातार आगे जाए जा रही है। तो भाई मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, बिकॉज है ना मुझे यहाँ पर रेस करना चाहिए था भाई, मैं वहाँ पर रुक गया बीच बीच में भाई, वो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है, मेरे को लग रहा है कि ये वाला चैलेंज मैं हारने वाला हूँ वैसे, बट मेरे पास यहाँ पर एक और चांस तो है यार, लेकिन अभी देखो यार मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा, वो काफी तेज है वैसे भी यार। तो गाइस यार हम क्या करने वाले, वापस से ट्राई करने वाले हैं यार। ये देखो तो आगे निकल चुके काफी स्पीड में, बट गाइस मेरे पास यहाँ पर एक और चांस है, एंड इस वाले चांस के अंदर यहाँ पर हम ट्रेन को हराने वाले हैं कैसे भी करके। एंड अगर हम इस वाले ट्रेन को नहीं हरा पाए तो फिर मिस्टर मिड पूरी सिटी को तबाह करने वाले एंड मार देगा, ठीक है। तुम क्या करने वाले, मैंने यहाँ पर ट्रेन के इंजन को स्टार्ट कर दिया, मैं बहुत जल्द यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ भाई, बिकॉज मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर मैं कुछ भी देरी करूंगा या फिर रुकूंगा यहाँ पर पीछे मुड़ के देखूंगा, हो सकता है कि वो ट्रेन मेरे को बीट कर दे, मेरे से आगे निकल जाए, मेरे को हरा दे भाई। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, हम बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। बट गाइस अगर आप यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। एंड चलो भाई हम चलते रहते हैं यहाँ पर कंटिन्यू, एंड हमें कैसे भी करके ना यहाँ पर ट्रेन को हराना है, वैसे और कुछ नहीं करना है। तो हम पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखने वाले, बिकॉज अगर मैं पीछे मुड़ के देखा ना गाइस, ठीक है, तो हो सकता है कि वो हमें हरा दे भाई, बिकॉज उसकी स्पीड काफी तेज है गाइस। चलो वैसे हम चलते रहते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। A few moments later, मैं यहाँ पर काफी दूर आ चुका हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाली ट्रेन अभी फिलहाल कहाँ पर है। तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा स्क्रॉल, तो वो वाली ट्रेन आपको दिखने वाली है। देखो यहाँ पर स्क्रॉल किया मैंने, एंड वो देखो पीछे हमारी ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन काफी तेज है गाइस, बट अभी भी स्टेशन काफी दूर है भाई। मुझे कैसे भी करके बस मेंटेन करते रहना गाइस, मुझे हारना नहीं है। अगर मैं बाई चांस यहाँ पर हार गया ना भाई, तो फिर मिस्टर मिड हमारी पूरी सिटी को मार देगा, जितने भी डायनासोर है, जितने भी यहाँ पर घोड़े है, वो सबको मार देगा भाई। तो अभी चलने वाले जल्दी जल्दी, एंड देखो हम पहुंचने वाले यहाँ पर स्टेशन के ऊपर, एंड ये देखो हम पहुंचने वाले, एंड भाई वो ट्रेन काफी पीछे रह चुकी है हमारे फिलहाल। तो इस वाले रेस के अंदर तो हम जीतने वाले हैं कैसे भी करके, दिखाता हूँ आपको वो वाली ट्रेन। देखो वो ट्रेन काफी पीछे है गाइस, चलो गाइस। एंड देखो यहाँ पर फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्टेशन पर, एंड हम ट्रेन से पहले यहाँ पर आए हैं, तो हम यहाँ पर जीत चुके हैं। एंड हमने यहाँ पर मिस्टर मेड के पांचों चैलेंज यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो अब मिस्टर मेड हमारी सीट के ऊपर अटैक नहीं करने वाला है, एंड यहाँ पर मैं साइकिल को लगाने वाला हूँ। एंड देखो यहाँ पर ये वाली ट्रेन आने वाली है, ये देखो भाई, एंड मैं ट्रेन से पहले आया हूँ, तो हम जीत चुके हैं यहाँ पर। तो वैसे अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है मिस्टर मिड के वीडियो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ यहाँ पर किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, एंड चलो भाई जय हिंद जय भारत।